साथ में आशीष जिले में हमेशा कहता हूँ कि वो सीआरपीएफ की बैकबोन है और कहीं से भी गलत नहीं है। वो हर मैच में खेलते हैं, हर मैच में अपनी टीम को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो पुरस्कार वितरण की बेला में सबसे पहले मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, बेस्ट बॉलर जिन्होंने आज शानदार गेंदबाजी की और 50 रुपए भी हासिल किए मेरे ख्याल से विकेटों पर, जसवंत आप आज बेस्ट बॉलर है। मैं चाहूंगा कि वेट सर के हंसते, आप एसडीओपी सर के हंसते, आरबो सर के हंसते ये पुरस्कार। जसवंत शानदार, ये बॉलर बहुत शानदार बॉलिंग की आज जसवंत ने। जिन्हें नॉमिनेट करना चाहता हूं वो है आशीष दुबे, जिन्होंने फिर से अच्छी बल्लेबाजी की आज और हर बार टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाते हैं। आशीष दुबे लगभग हर मैच में मैन ऑफ द मैच या बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड ले आते हैं। पुलिस टीम जो कि सीआरपीएफ टीम के कीपर है, बहुत शानदार ये फील्डर, आर्मो सर के हस्ते प्रदान किया जाएगा बेस्ट फील्डर का अवार्ड। सुनील बहुत शानदार ये कीपर सीआरपीएफ की टीम के लिए। और जो अंतिम पुरस्कार की मैं घोषणा करना चाहता हूं वो उस बल्लेबाज के लिए है जिसे बैकबोन कहा जाता है, आशीष सीआरपीएफ टीम के हाथ से मैन ऑफ द मैच। शानदार ये बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी की जिन्होंने वेग सर और आर्मो सर के हस्ते ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है आशीष को। इसके पहले सफल नहीं हो पा रहे थे, अर्धशतक भी नहीं मार पाए थे, लेकिन आज अपना अर्धशतक पूरा किया और शानदार बल्लेबाजी की। इसके बाद आशीष को मैं बुलाना चाहूंगा, उन्होंने अब तक मंच पर कुछ कहा नहीं है, हम चाहते हैं कि वो इस पूरी सीरीज के बारे में, इस मैदान के बारे में और अपनी बल्लेबाजी के बारे में कुछ बोले। हेलो, मैं सीआरपीएफ टीम से, मैंने विवेक सर की तरफ से देख के खेला है कि कैसे उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। टीम मेरे को बोलती थी मार के खेलो, बट विवेक सर ने मेरे को बताया कि कैसे खेलना आराम से अपनी टीम को देखते हुए, इसलिए बैकबोन का था कि अपने आराम से खेला। बस यही। धन्यवाद आशीष, आप जितने सरल व्यक्तित्व के इंसान हैं वो आपकी भाषा में भी नजर आता है। और मैं अब अंतिम में विवेक सर से चाहूंगा कि वो अपने अंतिम आर्मो सर से चाहूंगा कि वो इस और हमारी पुलिस 11 जो कि भली मैच में हार गई, लेकिन अभी अगला मुकाबला और है जिसमें कांटे की टक्कर होने वाली है, तो हम लोग आज जहाँ कमियाँ रही है उनको सुधार कर अगले मैच में बेहतर करेंगे। और जिस तरह से सर ने शुरुआत की बैटिंग की आज, शुरू में सीआरपीएफ टीम धीरे खेली एक मजबूती के साथ, फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए 12वें ओवर के बाद से जो रफ्तार पकड़ी उस पर लगभग 200 रनों के आसपास का हमें टारगेट दिया, जो कि हमारे लिए मुश्किल भरा था, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन मध्य क्रम में हम कहीं लड़खड़ा गए और अंत में जो है हमें हार का सामना करना पड़ा। सर शुभकामनाएं सर आपको और आपकी टीम को, और अगले मैच में सर हम बेहतरी तैयारी के साथ सर फिर मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे सर। धन्यवाद सर। और मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति, पिछले 2-3 मैचेस में हम लोग का जो वीक पॉइंट था वो था फील्डिंग, बॉलिंग हल्की फुल्की इधर उधर होती है सारी की सारी टीम की होती है, हम लोग उतने प्रोफेशनल प्लेयर नहीं, बट इस बार फील्डिंग बहुत ही सुपर्ब थी। अजय का जो कैच था इनिशियली, संजय ने गया तो वो एक पूरे के पूरे टीम के फील्डिंग की जो फीलिंग है उसको लेके बहुत ही पॉजिटिव रहा, और फिर उसको हम लोगों की टीम ने एकदम लास्ट तक उसको कैरी किया। एक समय पे ऐसा क्या जिसने पकड़ा कि बीच में फिर से लग रहा था कि नहीं पूरी थी वापस से रफ्तार पकड़ रही, तो सुनील की कीपिंग के लिए भी ढेर सारी तालियां बजाई है सभी। यशवंत देखिए ओवरऑल यहाँ पे हम लोग यदि ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी बॉलर ज्यादा ट्राई करता है वो पिटता है। 3 बॉल एकदम अच्छा लाइन लेंथ लेके फेंका, उसके बाद में 1-2 बॉल ट्राई किया इधर उधर जाएगा। दोनों ही टीमों के साथ में मेरी शुभकामनाएं हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हम लोग 5वें मैच पे पहुंचे। 5वें मैच में दोनों ही टीम अपना 100% देगी, 150% देगी, और वो मैच बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। तो फाइनल मैच के लिए सभी को, दोनों टीमों को, टीमों के हर एक मेंबर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोनों टीम अच्छे से प्रिपेयर होके आए, और
सीरीज कोई भी जीते, मैच कोई भी जीते, बस अच्छा अपने को स्पोर्ट्समैनशिप का यहाँ पे प्रदर्शन करना है और फिर अच्छा गेम खेल।